हे गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल माय फूड क्रिएशन। वी आर बैक विद अवर न्यू वीडियो। भाई आज हम आ रखे हैं नरेश दे स्पेशल बर्गर पे और आज हम इनका ट्राई करने वाले स्पेशल कुरकुरे बर्गर। हाँ यार आप लोग सही सुन रहे हो, कुरकुरे बर्गर आप कार्ट्स पे बिकने लगे और उनका टेस्ट जो है बहुत लाजवाब है। और अरे आगे कॉर्नफ्लेक्स इसके अंदर उन्होंने पहले से ही भाई पीस कर रखा हुआ है कॉर्नफ्लेक्स, तो इससे क्रिस्पी किया जाएगा हमारे टिक्की और बर्गर को। भाई भैया अभी आपको इससे टिक्की है आलू टिक्की है उसको क्रिस्पी करके दिखाएंगे और क्रिस्पी आर्स को वही किया जाएगा कॉर्नफ्लेक्स के अंदर डालेंगे। और अभी इसको मिक्सर के अंदर डिप किया था जिसकी वजह से थोड़ी एडहेसिव हो जाएगी, मतलब चिपकने लग जाएगा इसके ऊपर ये सब। भाई ये देखो अपनी एक टिक्की तो क्रिस्पी हो चुकी है और अब दूसरी टिक्की की बारी आ गई है और उसका प्राइस है वीडियो के अंदर आपको आगे पता लग जाएगा, बहुत ज़्यादा चीप है ये, मतलब जो रेट आपको कैफेज़ वगैरह मिलेगा उससे तो भाई काफ़ी ज़्यादा सस्ता है ये, तो बाकी आप देखते रहना वीडियो में यार। भाई अपनी दूसरी टिक्की वो भी बन के तैयार हो गई है और ये बारी आ गई अपने बर्गर की। तो भाई बर्गर को यहाँ पर क्रिस्पी करने का तरीका जो है बिल्कुल ही अनोखा है। भाई आपने मेरी पुरानी वीडियोज़ के अंदर देखा होगा बिल्कुल अलग तरीके से बर्गर को क्रिस्पी किया जाता है, बट यहाँ पर भाई कुछ और ही बात है बर्गर को क्रिस्पी करने की। तो भाई हमारा बर्गर भी जो है क्रिस्पी होएगा कॉर्नफ्लेक्स के अंदर डाल के। तो भाई अपना बर्गर जो है वो भी क्रिस्पी हो चुका है और हमने दो बर्गर लिए हैं, एक तो हमारा कुरकुरे बर्गर है जो हमने नॉर्मल वाला लिया है और उसके बाद हमने प्लेन बर्गर भी लिया है इनका। तो भाई ये अपने दोनों बर्गर जो है भाई क्रिस्पी हो चुके हैं एकदम। तो अभी इस टिक्की को सर डाल रहे हैं फ्राई होने के लिए, डबल पैक टिक्की बर्गर है और जिसका प्राइस है मैंने बताया बहुत चीप है, सिर्फ 80 रुपीज़ इसका भी डबल टिक्की के लिए। और सिंगल पैटी का जो प्राइस है वो आपको वीडियो के अंदर आके पता लग ही जाएगा। भाई थोड़ी देर के लिए इसको तलने दे जाएगा ताकि अच्छे से क्रिस्पी हो सके और एकदम भाई बढ़िया वाला क्रिस्प है इसके अंदर। भाई अपनी टिक्की जो है वो क्रिस्पी हो चुकी है, तो भैया ने उसको बाहर निकाल लिया, अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं और कलर जो कितना प्यारा आ रहा है। और जो यहाँ के जो टाइमिंग्स हैं वो 5 बजे से लेके आपको ये भैया जी नरेश जी जो है यहाँ पे मिल जाएंगे कुरकुरे बर्गर सेल करते हैं और बहुत सारी वैराइटीज़ हैं बर्गर्स की इनके पास, 5 बजे से लेके आपको ये शाम के 10-11 बजे तक यहीं पर मिलेंगे। भाई प्राइस बहुत कम है, मज़ा आ जाएगा आपको बिल्कुल खा के ये। और जो अपने बर्गर्स हैं वो भी तैयार हो चुके हैं, तो ये देखो ये बर्गर्स भी एकदम क्रिस्पी होकर बाहर आ गए हैं और इसको बढ़िया तरीके से बनाया जाएगा। और ये डबल पैटी करी जा रही है, बीच में चीज़ डाला है भैया ने, पूरा अमूल का जो स्लाइस होता है उसका पूरा चीज़ चार बारी फोल्ड करके इसके अंदर डाला गया है। भाई ये देखो भाई दो बर्गर के अंदर देखो टिक्की का साइज़ देख रहे हो, अच्छा खासा साइज़ है टिक्की का, देखने में बहुत क्रंची लग रही है। और भाई ये अपना बर्गर को बीच में से कट करना शुरू किया जाएगा, बर्गर के अंदर सारा सामान लगाया जाएगा। तो भाई मेरे को पता है यार मैं थोड़ा बिजी हूँ, वीडियोज़ बहुत कम आ पा रही हैं, मैं भाई कॉलेज की वजह से कुछ ज़्यादा बिजी रहता हूँ। तो अगर आप लोगों को कनेक्टेड रहें तो फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे जुड़े रह सकते हैं, आई नो यूट्यूब पे इतना एक्टिव नहीं रह पा रहा मैं। तो भैया ने ये लगा दी पुदीने की चटनी इसके अंदर और थोड़ा सा चाट मसाला डालना शुरू कर दिया इसके अंदर। भाई थोड़े से अंदर अब चॉप वेजिटेबल्स आना शुरू होंगे, फसल भी डालेंगे इसके अंदर प्याज। और भाई ये मेरे को भी पता लगा कि इसी बंदे का ऑर्डर बन रहा है, हमारा ऑर्डर नहीं है, तो इसके अंदर सर भैया टमाटर डालेंगे, वैसे और भी सब्जियां डालते हैं इसके अंदर, और ये म्यूनिस भी आई है इसके अंदर और ये थोड़ी तंदूरी मायो डाल दी भैया ने। भाई आप देख सकते हो देखने में शानदार लग रहा है, मज़ेदार है एकदम। और भाई ये इसके ऊपर आ गया पनीर और आपको पनीर के साथ 80 रुपये का पड़ेगा और अगर आप बिना पनीर के लेंगे तो उसका प्राइस आएगा 70 रुपये। तो भाई हमारा जो ये बर्गर है वो बन के ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, चलो यार आपको एक बार इसको बीच में से कट करके दिखाते हैं और फटाफट इसकी टेस्टिंग करने चलते हैं। भाई अपने कुरकुरे बर्गर बनके रेडी हो गया है और ये हमारा डबल पैटी वाला बर्गर है, ये आप देख सकते हो भाई दो आलू पैटी के अंदर चीज़ लगा रखा है, टमाटर प्याज और भाई बाकी सारी काफ़ी सारी चीज़ लगा रखे हैं, पुदीने की चटनी वगैरह, तो इसका प्राइस जो है वो 80 रुपीज़। और ये है इनका भाई नॉर्मल बर्गर। ओह नो हो गया थोड़ा सा। तो भाई ये इनका नॉर्मल बर्गर और सब भाई 30 रुपीज़ ये डबल पैटी वाला है और भाई ये भी देखने में बहुत बढ़िया लग रहा है। तो फटाफट से पहले इनका बर्गर ट्राई करते हैं कुरकुरे वाला। भाई कैफेज में तो हमने यार काफ़ी बार कुरकुरे बर्गर ट्राई कर रखा है, बट स्ट्रीट फूड के अंदर कुरकुरे बर्गर हम पहली बार ट्राई कर रहे हैं, तो भी ट्राई करके देखते हैं। तो
जो कुरकुरे बर्गर है भाई बहुत बढ़िया है, तुम लोग कैफे के अंदर मिलता है उसका भाई लाख गुना बढ़िया टेस्ट आ रहा है इसका। और जिसने पैटी लगा रखी है भाई बहुत ज़्यादा क्रंची कुरकुरे बर्गर का, और मज़ा ही आ गया। और भाई जो है इसकी भाई क्रिस्प बहुत तगड़ा आ रहा है, चीज़ लगा रखा है और पैटी का टेस्ट भी गजब आ रहा है। प्राइस जो है 80 रुपीज़ है, सिंगल पैटी का लोगों को आप 50 रुपये के आसपास मिल जाएगा भाई। प्राइस के हिसाब से बहुत बढ़िया टेस्ट दे रहे हैं ये, अब इनका नॉर्मल बर्गर ट्राई करके देखते हैं भाई। अब बारी इनका नॉर्मल बर्गर ट्राई करने की, और इसका प्राइस जो है 30 रुपीज़ है, ये भी डबल पैटी के साथ आपको मिल जाएगा, उसको एक बार टेस्ट करके देखते हैं। भाई टेस्ट इसका भी बहुत बढ़िया है, एकदम गजब का टेस्ट आ रहा है, और मसाले वगैरह एकदम मतलब सही तरीके से डाल रखे हैं। डबल टिक्की बर्गर है, सिर्फ 30 रुपये का आपका मिल जाएगा। मुझे कुरकुरे बर्गर था वो भी बहुत बढ़िया था, आप इसी कैफे में जाओगे वहाँ भी आपको 250 रुपये का मिल जाएगा, 200-250 के आपका कुरकुरे बर्गर भाई, सिर्फ 80 रुपये आपको यहाँ मिलेगा भाई। टेस्ट एकदम लाजवाब है इनका, और जो है लोकेशन है वो भाई नरेश जी के स्पेशल बर्गर पंजाबी बाग के अंदर लोकेशन है, बाकी एग्जैक्ट लोकेशन वीडियो के अंदर पिन कर देंगे, वहाँ से चेक कर सकते हो। अगर मुझे पता नहीं वीडियोज आ नहीं पा रही है, काफ़ी बिजी है हम यार, थोड़ा सपोर्ट करते रहे, और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके भाई।